हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की हुई है और मैं अभी फ़िलहाल क्लास 8 की ज्योग्राफी आपको करा रही हूँ। क्लास 8 का चैप्टर 1 रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और चैप्टर 2 का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। इसके साथ ही हमने फेसबुक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो अपनी क्वेरी वहाँ भी पूछ सकते हो, वहाँ भी पोस्ट कर सकते हो। पार्ट 1 में हमने पूरा लैंड रिसोर्स कवर किया था चैप्टर 2 का, और आज हम सोइल के बारे में पढ़ेंगे। सोइल क्या होता है, व्हाट इज सोइल? तो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, द अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो इज नोन एज सोइल। तो इसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो अपर लेयर है अर्थ की, वो सॉइल है। या फिर इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस की, उसको हम सॉइल कहते हैं। ये डेफिनेशंस दोनों बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको वन लाइनर फॉर्म में देखने को मिले, तो दोनों चीज़ याद रखनी ज़रूरी है। वो थिन लेयर जो कि ग्रेनी सब्सटेंस की बनी हुई है और अर्थ सरफेस को कवर किए हुए है, उसको हम सॉइल कहते हैं। या फिर द अपर लेयर ऑफ अर्थ, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, जहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं या एनिमल्स घूमते फिरते हैं, वो क्या है? सॉइल। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू लैंड एज लैंड फॉर्म्स रेगुलेट सॉइल टाइप। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, मिनरल एंड वेदर्ड रॉक्स। सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स अपॉन द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटीरियल। तो ये सारा आपको सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर, लैंड या लैंड फॉर्म के ऊपर सॉइल का टाइप डिपेंड करता है। आपको पता है कि लैंड क्या होता है और लैंड के किस किस चीज़ से अफेक्ट होता है, ये सारा मैंने पार्ट 1 में करा दिया है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप ज़रूर पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 इस वीडियो का बेस है, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू लैंड एज लैंड फॉर्म्स रेगुलेट सॉइल टाइप। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल। किसका बना है? जो हमारे सॉइल है वो ऑर्गेनिक मटीरियल की बनी हुई है, मिनरल्स की बनी हुई है और वेदर्ड रॉक्स की बनी हुई है। और सॉइल फर्टिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मिनरल और ऑर्गेनिक मटीरियल का, अगर राइट कॉम्बिनेशन मिक्स है देन सॉइल फर्टिलिटी पर ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर वेदरिंग की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, आप कह सकते हो ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, और वो कुछ फैक्टर्स की वजह से ब्रेक होती है, जैसे टेम्परेचर चेंज की वजह से, फ्रोस्ट एक्शन की वजह से, या प्लांट्स एनिमल या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो वो प्रोसेस होता है वेदरिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट में मैंने इस वीडियो के लास्ट में मैंने टर्मिनोलॉजी भी जितनी भी है वो सारी कवर करा रखी है, तो जो लास्ट पार्ट होगा वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो जो फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, सारे एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, या पूछ ले कि कौन सा फैक्टर इनमें से ऐसा है जो सॉइल के फॉर्मेशन में अफेक्ट नहीं करता, किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। और जो आपको पेरेंट रॉक दिखाई दे रहा है, इसका भी पता होना चाहिए, डिटरमाइंस कलर, क्या 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 डिटरमाइन करता है ये, कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी। ये इसलिए बता रही क्योंकि जो पेरेंट रॉक की है, जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, ये सेम क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है 10th grade 4 में, तो इसलिए ये बताना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमसीक्यू फॉर्म में ही 10th grade 4 में ये क्वेश्चन आ चुका है DSSB में, तो ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल किस तरीके से डिवाइडेड है उसके बारे में आप जान सकते हो। जो आपके टॉप सॉइल है, जहाँ पर हम रहते हैं या जहाँ पर हमारी क्रॉप्स ग्रो करती है, इट इज़ मेड विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, यहाँ पर ह्यूमस और वेजिटेशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो सॉइल है, इट इज़ अ सब सॉइल, इसको कहते हैं, और इसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले इसकी बनी होती है। देन जो नेक्स्ट प्रोफाइल है वो है वेदर्ड रॉक मटीरियल, वेदर्ड रॉक मटीरियल हमें मिलते हैं। एंड लास्ट में पेरेंट रॉक,
जो अभी बताया कि पेरेंट रोक क्या होती है, इसको जनक शैल भी कहते हैं हिंदी में, जनक शैल भी कहते हैं, जो कि सॉइल का कलर डिटरमाइन करती है, सॉइल का टेक्सचर डिटरमाइन करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी, ये सब डिटरमाइन करती है किसी भी सॉइल का। तो ये आपको सॉइल प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल डिग्रेडेशन। लेकिन सॉइल डिग्रेडेशन से पर आने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि जो आपका सॉइल बनी हुई है, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, मिनरल एंड वेदर रॉक्स, याद रखनी है ये चीज़, बिल्कुल हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए बढ़ते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर आप सब देख सकते हो मेजर फैक्टर्स बिहाइंड सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन से क्या समझते हो कि भाई जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी में कमी आ रही है, वही तो सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, प्रोलॉन्ग्ड रेन, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ये सब आपके फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। और मैंने आपको कल भी बताया था कि यही इनमें से ही ज़्यादातर मोस्टली फैक्टर्स थे जो हमारे लैंड डिग्रेडेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, इन्हीं की वजह से हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है और डिप्लीशन देखने को मिल रहा है सॉइल की क्वालिटी में। और कल भी मैंने आपको कहा था कि प्लांट्स ग्रो करने के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी बताए थे जो मेरे खुद के ही थॉट्स हैं, वो भी ऐड किए थे पार्ट वन में। ओवरग्रेजिंग मैंने बताया था कि ओवरग्रेजिंग को हमेशा हर जगह पर काउंट किया जाता है कि ओवरग्रेजिंग की वजह से हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है या सॉइल है वो डिग्रेड हो रहा है, बहुत सी जगह पर इसको काउंट किया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता। अगर जो एनिमल्स चरते हैं जितनी क्वांटिटी में उनको खाना खाना वो तो खाएंगे ही, तो इसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं या ये चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ हर जगह पर ये फैक्टर डाला जाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आए तो इनमें से सारे ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। आप चाहो तो इनका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, एज़ यू विश। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक्स टू कंजर्व एंड रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। अभी हमने जाना कि जो आपके फैक्टर्स हैं सॉइल को डिग्रेड करते हैं, और अब जानेंगे हम कि सॉइल का हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज मल्चिंग। क्या होता है मल्चिंग? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के बीच में स्ट्रॉ, मतलब कि जो आपके घास, सूखी घास फूस होती है, वो बिछा दी जाती है, ताकि ये एक, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मैटर है और जो सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने में काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक है जिनके बारे में आप जानोगे, और हो सकता है जिनमें से बहुत से क्वेश्चंस या कहीं अलग अलग जगहों पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, तो ये बिल्कुल ध्यान रखने हैं आपको। सो मल्चिंग की आप एक इमेज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये इमेज आपको शो कर रही है कि किस तरीके से आपकी जो बेयर ग्राउंड है उसके ऊपर स्ट्रॉ बिछा दिए गए हैं ताकि जो सॉइल है वो अपना मॉइस्चर रिटेन कर सके और फर्टाइल रह सके। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट मेथड है वो है कॉन्टर बैरियर्स। क्या होता है ये? स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो इसमें इमेज आप देख सकते हो कि इसमें आपके जहाँ भी जो खेती होती है वहाँ पर उसके नेक्स्ट, मतलब ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं, और ये जो कॉन्टर बैरियर्स है ये बनाए जाते हैं स्टोन्स के, ग्रास के, सॉइल के, और जो ट्रेंचेस बनाई जाती है इनके फ्रंट में जो आप देख सकते हो, और इसमें वाटर कलेक्ट होता है। तो ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट टेक्निक इज रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। ये एक प्रोसेस है रॉक डैम, जिसमें क्या किया जाता है, रॉक का ढेर एक जगह पर लगा दिया जाता है जिससे वाटर फ्लो जो है वो कम होता है, और इसकी वजह से जो गलीज क्या होता है, जो आपके जो संकरा या नैरो
पैसेज कह सकते हो, बहुत ही संकरा रास्ता होता है जिसपे पानी गुजरता है, या फिर रेन वाटर जो होता है या स्ट्रीम वाटर होता है, ये सब काफ़ी हाई अमाउंट में यहाँ पर आता है। तो अगर रॉक डैम बना दिया जाए तो ये गलीज और सोइल लॉस में भी हेल्पफुल रहता है। इसमें रॉक्स को इस तरीके से पाइल किया जाता है या फिर अरेंज किया जाता है जिसकी वजह से सोइल लॉस नहीं होता है और वाटर एक जगह पर कलेक्ट नहीं होता, जो धीरे धीरे फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा ना ही सोइल लॉस होता है और ना ही गलीज बनती है। नेक्स्ट है आपका टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? ब्रॉड फ्लैट स्लैब्स, इसको हिंदी में इसको सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं आई थिंक। टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो डेट फ्लैट सर्फेसिस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस सर्फेस रन ऑफ एंड सोइल इरोजन। तो ये ज़्यादातर आपको जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें स्टीप स्लोप्स बना दी जाती है, जो आपके फ्लैट सरफेस अवेलेबल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, खेती की जाती है, क्रॉप्स उगाई जाती है, और इसकी वजह से सरफेस रन ऑफ भी कम होता है और सॉइल इरोजन भी कम होता है। ठीक है, सरफेस रन ऑफ मतलब जो पानी जो एक जगह पर कलेक्ट हो जाए वो चीज़ कम होती है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता। तो ये है टेरेस फार्मिंग, स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है, केवीएस के पर्सपेक्टिव से, केवीएस पीआरटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरक्रॉपिंग क्या एक मेथड है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगा दी जाती है अल्टरनेटिव रोज में, अलग अलग रोज में अलग क्रॉप उगा दी, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्रॉप्स है ना, ये अलग अलग टाइम पर सो की जाती है, अलग अलग टाइम पर इनकी कटाई होती है और अलग टाइम पर बोई जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हेल्प करता है कि सॉइल जो है वो प्रोटेक्ट रहे रेन वॉश की वजह से, कि सॉइल इरोजन ना हो। तो ये एक इंटरक्रॉपिंग जो मेथड है ये भी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टोर प्लॉइंग। ये प्लॉइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। बेसिकली वाटर आपका जो ठीक से फ्लो कर सके, एक जगह पर कलेक्ट ना हो, इस वजह से बहुत सारी खेती की जाती है ताकि जो सॉइल इरोजन है वो ना हो। इनमें से कॉन्टर प्लोइंग भी एक आपकी टेक्निक है। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो आप पीछे इमेज में देख सकते हो कि बहुत सारे एक रो बना दी जाती है पूरी कंप्लीट ट्रीज की, इसी को शेल्टर बेल्ट कहा गया है, और जिसकी वजह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि विंड मूवमेंट कैसी है, और अगर ज़्यादा जहाँ पर विंड चलती है, ज़्यादा विंड फ्लो करती है, तो उसकी वजह से जो हमारी सॉइल है, क्योंकि हमारी जो सॉइल का ऊपर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी थिन लेयर होती है, वो तो इस जो प्लांट्स अगर ग्रो ज़्यादा होते हैं, प्लांट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो वो सॉइल को फिक्स करने का काम करते हैं, सॉइल को बांधने का काम करते हैं, पहले भी बताया है। तो इस वजह से ये भी एक टेक्निक है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता या फिर जो सरफेस रन ऑफ है ये भी कम होता है। तो ये सारी जो टेक्निक्स है, ये जो 6 पढ़ी आपने, ये सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, पूरा सॉइल रिसोर्सेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज की ओर। वाटर इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। आप सबको पता है कि वाटर अगर नहीं हुआ, वाटर हमने नहीं पिया तो हम मर सकते हैं। अराउंड 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। 71% पृथ्वी का भाग किससे कवर है? वाटर से, या फिर आप कह सकते हो 3/4 भाग, 3/4 अर्थ का वाटर से कवर्ड है। इसी वजह से हम इसको वाटर प्लैनेट भी कहते हैं, इसी वजह से हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को। और ओशियंस की वजह से हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थ पर लाइफ है वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ओशियन मेकअप 97.3% ऑफ ओवरऑल वाटर।
ओशियंस के अंदर जो पानी है वो 97.3% जो पानी है वो ओशियंस में है। आपको पता है ओशियंस में जो या सीज में वाटर होता है वो आपका पोर्टेबल वाटर नहीं होता, उसको आप कंजम्पशन के लिए वो फिट नहीं होता, वो खारा पानी होता है, आप सब जानते हो ये चीज़। और फ्रेश वाटर कितना है वो 2.7% है, ये पता होना चाहिए कि 2.7% हमारा फ्रेश वाटर है, जिसमें से 1% वाटर है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं या ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं। इस 2.7% का ध्यान से सुनिए, जो फ्रेश वाटर मैंने बताया है 2.7%, इसका भी 70% जो हिस्सा है वो आइस शीट्स में है, फ्रोजन है, ग्लेशियर्स में है, एंटार्क्टिका में, ग्रीनलैंड में या फिर माउंटेनियस रीजन में। और ये जो अगर ग्लेशियर्स में है या आइस शीट्स में है तो इसको आप कंज्यूम कैसे कर सकते हो? ये आपका वाटर तो मतलब फ्रेश है बट इसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका पी नहीं सकते, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है या बर्फ बना हुआ है पूरा। लेकिन जो आप कंज्यूम कर सकते हो वो सिर्फ 1% अवेलेबल है, ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चंस आ चुके हैं, जीएस सेक्शन में भी देखने को मिल जाता है और केवीएस पीआरटी ईवीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और पढ़ा था कि वाटर एंड सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसा पढ़ा था। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सिर्फ 1% वाटर है, सिर्फ 1% वाटर है जो हमारे लिए है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसी वजह से वाटर एक प्रीशियस सोर्स है, प्रीशियस रिसोर्स है और जिसको हम कहते हैं कि हमें बचाना चाहिए, जल वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके पीछे मेन यही रीज़न है। हालांकि जो हमारे जो ओशन फॉर्म में है या जो हमारा वाटर डिफरेंट फॉर्म्स में है जो हम कंज्यूम अभी नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत अगर टेक्नोलॉजी के बात करो तो इतनी है कि भाई उसको हम फिट कर सकते हैं पानी को पीने के लिए, लेकिन उसमें जो खर्चा आएगा वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसी वजह से वाटर जो 1% अवेलेबल हमारे लिए फ्रेश वाटर, ये बहुत मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस बन जाता है अर्थ का। और ये कहाँ कहाँ हमें मिलता है ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जो 1% वाटर जो फ्रेश वाटर की बात की है, ये हमें ग्राउंड वाटर में, वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड वाटर वेपर इन द एयर, तो इन सब में हमें 1% जो फ्रेश वाटर मिलता है वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एक ये आपको लाइन पता होनी चाहिए, हो सकता है कि क्वेश्चन में ये ना एक आपको सिचुएशन फॉर्म में दे दे और चार ऑप्शंस दे दे। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इसका मतलब है कि वाटर को ना ही घटाया जा सकता है ना ही सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो वाटर साइकिल है, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है वाटर साइकिल, कि हमारे जो ओशंस में, रिवर्स में जो भी पानी है वो सब इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होने के बाद ये जो रेन वाटर की फॉर्म में बरसता है वापस से, ये आपका धरती पर ही आ जाता है। तो ये चीज़ जो वाटर साइकिल है, इसका ये जो आप लाइन देख रहे हो इसके पीछे यही एक रीज़न है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 3/4 मतलब 3/4 भाग जो है अर्थ सरफेस का वो वाटर से ढका हुआ है और जिसमें से 2/3 भाग है वो ओशियन वाटर है, ठीक है, 2/3 है जो अर्थ सरफेस पर वाटर वो ओशियंस में है। नेक्स्ट जानते हैं हम वाटर डिमांड एंड स्कैर्सिटी के बारे में कि अब हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, इंडिया की ये बात करें तो 130 करोड़ प्लस जनसंख्या हमारी है, और तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर की डिमांड भी होगी और स्कैर्सिटी तो होनी है ही, क्योंकि वाटर जो है फ्रेश वाटर तो बहुत कम है हमारे लिए अवेलेबल, और बहुत सी जगह पर तो काफ़ी और भी ज़्यादा कम है। अगर ड्राई रीजन्स की बात करूँ तो वहाँ पर तो शॉर्टेज रहती है। वाटर शॉर्टेज एंड ड्रॉट्स आर न्यू कॉमन थ्रू आउट द, बीच में यहाँ पर वाटर शॉर्टेज एंड ड्रॉट्स आर द न्यू नाउ कॉमन थ्रेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, ये जो मोस्ट कॉमन थ्रेट्स हो गए थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात करें तो, प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ओवर एक्सप्लोटेशन, सीजनल वेरियंस एंड वाटर पोल्यूशन। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स आर मोर लाइकली टू फेस ड्रॉट्स। जितनी भी हमारी जो कंट्रीज है क्लाइमेटिक जोन्स में है वहाँ पर हमें सूखा देखने को मिलता है, ड्रॉट्स कंडीशन वहाँ पर हाई है, या जितनी भी ड्राई रीजन्स है
वहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ लाए करती है, तो वहाँ हमें ड्रॉट्स के ज़्यादा चांसेस देखने को मिलती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम कहीं ना कहीं करते हैं वाटर का, वाटर को हम सेव कम करते हैं, वेस्ट ज़्यादा करते हैं, चाहे हम कितने भी स्लोगन्स बना लें, चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन वही बात है कि आपको खुद से शुरुआत करनी है। दूसरों से कहने से पहले आपको खुद को शुरुआत करनी है। वाटर टैप कई बार ऐसे ही लीक होता रहता है, टपकता रहता है, तो वो सब हमें खुद सोचना होगा। जितना हमें चाहिए वाटर उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए, कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए। नेक्स्ट, द वाटर शॉर्टेज हैज़ लेड टू न्यू प्रॉब्लम सच एज वाटर माफिया और वाटर ट्रेड। अब जो वाटर शॉर्टेज जिस जगह पर है ना, वहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है कि ये एक मार्केट खोल ली गई है, वाटर बेचने की भी मार्केट हो गई है और वाटर ट्रेड होने लगा है। सेवरल प्लेसेस इन इंडिया लाइक अमरेली गुजरात, गुजरात में एक जगह है अमरेली जहाँ पर वाटर मार्केट्स है, वहाँ पर लोगों को डेली पानी परचेज करना पड़ता है ताकि वो अपने डेली जो लाइफ की एसेंशियल एक्टिविटीज़ है जो वाटर के थ्रू ही होती है, कि आपको भी पता है अगर पानी ही नहीं होगा तो हमारी लाइफ की इतनी सारी एक्टिविटीज़, बेसिक नेसेसिटी जो है वो फुलफ़िल नहीं हो सकती। ठीक है, हमें जीने के लिए पानी तो ज़रूरी है, जल ही जीवन है, आपको पता है। तो जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ट्रेड मार्केट्स भी शुरू कर दिया है, वाटर ट्रेड शुरू कर दिया है जहाँ पानी बेचा जाता है और लोग मजबूर है क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। सो लेट्स सी द नेसेसरी स्टेप्स फॉर कंजर्विंग वाटर एंड वाटर बॉडीज। दीज आर, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, सीवेज ट्रीटमेंट, अनट्रीटेड सीवेज वाटर, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। आपको भी पता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं ये सारे आकर के रिवर में और इनमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये सब हमें पहले ट्रीट करना चाहिए, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन है या इसमें हार्मफुल केमिकल्स है वो चीज़ इस वाटर में ऐड ना हो, जिसकी वजह से ये सारे पानी में घुल जाए और बीमार पड़े सब, ये चीज़ ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो। सिटी एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन शुड ट्रीट दिस सीवेज वाटर बिफोर रिलीजिंग इन टू वाटर बॉडीज। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर चेक सॉइल इरोजन एंड इंक्रीजेज सॉइल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। एफॉरेस्टेशन हमें करना चाहिए जिसके थ्रू हमारा जो सॉइल इरोजन है वो भी हमें उस पर कवर, मतलब कंट्रोल करना चाहिए, वो भी कंट्रोल होगा एफॉरेस्टेशन की वजह से, और जो सॉइल की जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट हमें ग्राउंड वाटर मिलेगा, और आपको पता है जो ग्राउंड वाटर से पानी रिसीव होता है वो भी फ्रेश वाटर ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग, कैप्चरिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज। बहुत सी जगहों पर ये टेक्निक आजमाई जाती है, मतलब अपनाई जाती है। अगर राजस्थान की भी बात करूँ तो वहाँ भी बहुत से इलाकों में वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक की जाती है, जिसके थ्रू लोग पानी को इकट्ठा कर लेते हैं अपनी छत पर और लेटर ऑन उसको यूज़ करते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए उसको स्टोर कर लिया जाता है। ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज की बात करूँ तो एक बार अगर रेन आती है तो वो इनफ, अगर दो घंटे तक बारिश आती है तो वो 8000 लीटर पानी को सेव करती है। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये भी आपको पता चल गया होगा। बेटर कैनाल मैनेजमेंट, कैनाल शुड बी लाइंड टू लिसन द वाटर लोस। जो आपकी नहर है ये भी आपके जो वाटर लोस को कम करने का एक साधन है, तो अच्छे से ये लाइन अप करनी चाहिए जगहों पर। अडोप्टिंग न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स हमें आजमानी चाहिए, अपनानी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी अगर इरिगेशन मेथड है आउटडेटेड है, उसमें वाटर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल जो स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन है ये वाटर भी इसमें कम लगता है और जो आपकी क्रॉप्स है वो भी इरिगेशन भी प्रॉपरली हो जाता है, तो ये भी बेटर टेक्निक्स है। ऑल्टरनेटिव फार्मिंग हमें करना चाहिए, स्विचिंग टू ऑर्गेनिक और लेस वाटर इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अगर ऑल्टरनेटिव फार्मिंग करेंगे तो उसकी वजह से भी हमारी जो सॉइल है वो भी फर्टाइल रहती है और उसमें हमें लेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सॉइल में मॉइस्चर है वो अपना रिटेन करती रहती है। तो ये सब मेथड्स है जिसकी वजह से हम वाटर को कंजर्व भी कर सकते हैं और
वाटर पॉल्यूशन को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या जो हमारी डिमांड्स है फूड की, क्रॉप्स की, वो भी हमारी इतनी इंक्रीज होती जा रही है, अर्बनाइजेशन है या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो इम्प्रूव हो रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो शॉर्टेज है फ्रेश वाटर में वो भी होने लगी है। और जो हमारे बहुत से वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है, पानी के स्रोत हैं, अगर हम बावड़ियों की बात करें, अगर हम कुओं की बात करें, तालाब की बात करें, तो वो बहुत से ऐसे हैं जो सूख चुके हैं बिल्कुल। तो हमें ज़रूरत है कि हम वाटर को वेस्ट ना करें और वाटर को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। एक एक ड्रॉप भी वाटर की कीमती है, ये पता होना चाहिए। अभी परसेंटेज देखा ना आपने कि 1% जो है सिर्फ वही अवेलेबल है हमारा पीने के लिए। सो पार्ट टू मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ करेंगे। पार्ट थ्री में ये जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पूरी KVS PRT EVS सीरीज चल रही है जिसके थ्रू आप अपना KVS PRT का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एज जो ये कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोज़ आए उसको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।